मैं चाहूंगी कि मैं आपको दिखाऊं अंदर में किस तरह से ये लोगों ने सजाया पूरा। कोशिश किया है कि राजस्थान को ये केरली स्कूल के एक छोटे से कक्षा में ये दिखा सके। हम देख सकते हैं कि ना सिर्फ राजस्थान को दर्शाया गया है बल्कि उसके पूरे वेशभूषा को भी, जिस तरह से वो अपने गेस्ट जो होते हैं उनको वो अपने पूरे दिलों में बसा लेते हैं उसी तरह से। आप देख रहे हैं केवल सच। नमस्कार, आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। मैं आपके साथ पल्लवी कुमारी। 75वां गणतंत्र दिवस है, इस उपलक्ष में आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। पूरा देश 75वां गणतंत्र दिवस बड़े धूमधाम से मना रहा है। हर वर्ग के लोग, चाहे छोटे हो बड़े हो, किसी भी धर्म के हो जाति के हो, बड़े धूमधाम से गणतंत्र दिवस, जो कि 75वां गणतंत्र दिवस है, इसे बड़े धूमधाम के साथ मना रहे हैं। इसी क्रम में मैं आज धुरवा में केरली स्कूल में खड़ी हूँ, जहाँ पे बड़े धूमधाम से ना सिर्फ गणतंत्र दिवस बल्कि हस्तकला का भी विख्यात रूप से दर्शन किया गया है। प्रदर्शनी लगाई गई है जहाँ पे बच्चों के द्वारा मन भावने वाली पेंटिंग्स, छोटी छोटी कलाकृतियाँ बनाई गई हैं। मैं कोशिश करूँगी कि आपको हर तरह की चीज़ों का मतलब दर्शन करा सकूं, आपको दिखा सकूं कि कितना मन भावने वाला कलाकृति इन बच्चों के द्वारा, केरली स्कूल के बच्चों के द्वारा बनाया गया है। गणतंत्र दिवस की इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। केवल सच आपको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। 75वां गणतंत्र दिवस है, इस उपलक्ष में हम देख सकते हैं कि रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए गए। हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजेश पिल्लई सर, जो केरले स्कूल के प्रिंसिपल हैं। तो इनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या संदेश देते हैं ये गणतंत्र दिवस के उपलक्ष में। सर, क्या क्या अरेंजमेंट्स की गई है गणतंत्र दिवस में? सबसे पहले तो आपको भी 75वें गणतंत्र दिवस पर ढेर सारी शुभकामनाएं, सारे देशवासियों को शुभकामनाएं। आज हमने गणतंत्र दिवस के साथ साथ एक एग्जीबिशन भी अरेंज किया है, जिसमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स में हमने एग्जीबिशन रखा है और उसका नाम रखा है समाकलन। समाकलन इज काइंड ऑफ ए इंटीग्रेशन, और हमने डिफरेंट सब्जेक्ट से अपने बच्चों का जो क्रिएटिविटी है उसको प्रदर्शित करने की कोशिश की है। तो हमने आर्ट एंड क्राफ्ट का, ये जो देख रहे हैं प्रदर्शनी, ये आर्ट एंड क्राफ्ट डिपार्टमेंट की तरफ से है। इसके बाद हमारा एक फ्लोर पूरा मैथमेटिक्स एग्जीबिशन चल रहा है, उसका एक और फ्लोर में साइंस एग्जीबिशन चल रहे हैं, और हमने एक डिफरेंट वे में 5 स्टेट्स का एक कोलैबोरेशन किया है। 5 स्टेट्स को रख के उनके खान पान, रहन सहन और वेशभूषा, और उस पर्टिकुलर राज्य का नृत्य को भी हमारे बच्चों ने, अब बच्चे अभी प्रदर्शित करने वाले हैं। कुल मिलाकर एक पूरे देश को हम यहाँ पर परोस रहे हैं। सर, गणतंत्र दिवस के उपलक्ष में देशवासियों के लिए क्या ये संदेश देना चाहेंगे आप? गणतंत्र दिवस बेसिकली 1950 कॉन्स्टिट्यूशन डे, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रीडम, भाईचारा, पीस, ये सारी चीजें लोग समझे। और जो हमारे देश की सबसे बड़ी जो खासियत है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, उस चीज को बनाए रखे तो ये देश और भी आगे बढ़ेगा और खूबसूरत होगा। सर, ये जो एग्जीबिशन लगा हुआ है, ये एक दिवसीय या फिर कुछ दिनों के लिए लगा हुआ है? ये नहीं, ये एक दिवसीय ही है। हमने महामंत्री, अपने अभिभावकगण, बच्चों और सभी को आमंत्रित किया है, और ये एक दिन का ही है। इनके चीफ गेस्ट कौन हुए?
इनके चीफ गेस्ट हमारे मलयाली एसोसिएशन रांची के प्रेसिडेंट श्री एस एस नाथन, उनके साथ साथ हमारे साथ आए हुए हैं चेयरमैन स्कूल मैनेजिंग कमेटी, सेक्रेटरी स्कूल मैनेजिंग कमेटी और जनरल सेक्रेटरी मलयाली एसोसिएशन रांची के आए हुए, और हमारे मलयाली एसोसिएशन रांची के डिफरेंट विंग्स है उन सब के मेंबर्स भी यहां पर उपस्थित है। धन्यवाद सर, आपका केवल सच के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप मैं तपन दास, साथ में नविता मैम है आर्ट डिपार्टमेंट के। ये आर्ट एग्जीबिशन हमारा जो ओवरऑल एग्जीबिशन हो रहा है समाकन, उसके आधारित फ्री टॉपिक है। इसमें आप राइट फ्रॉम क्लास 3 से लेकर 12वीं कक्षे 12 तक के बच्चे पार्टिसिपेट किए हैं और टॉपिक ओपन टू ऑल था, राइट। सो इट्स अ फाइन आर्ट्स ब्रांच, आपको हर तरह का पेंटिंग यहाँ मिलेगा, राइट फ्रॉम पेंसिल शेडिंग से लेकर वाटर कलर, ऑयल पेस्टल, ऑयल पेंटिंग, एंड बच्चे क्राफ्ट भी बहुत अच्छा अच्छा बनाया है, वो भी आप देख सकते हैं। तो ये सभी के लिए समान टॉपिक दिया गया था जो अपने मन के इच्छा के अनुसार। हम देख सकते हैं कि यहाँ पे राजस्थान को दर्शाया गया है। तो कितना वक्त लगा आप लोगों को? कम से कम 2 हफ्ते लगे होंगे इन सबको तैयार करने में। अच्छा, कितने उत्सुक हैं? बहुत उत्सुक हैं हम लोग। कौन सी कक्षा के, क्या नाम हुआ? मेरा नाम शगुन कुमारी है, मैं कक्षा 8वीं में पढ़ती हूँ। मेरा नाम अद्वैत सिंह है और मैं कक्षा 7 में पढ़ती हूँ। अच्छा, तो आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा गणतंत्र दिवस के अवसर पर आप राजस्थान को दर्शा रहे हैं। हाँ, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, ये हमें ऐसा अपॉर्चुनिटी मिली है कि हम लोग ये कर पा रहे हैं और हम लोग न्यूज़ में आ रहे हैं और अपने स्कूल को प्रेजेंट कर रहे हैं अपने साइड से, हमें बहुत खुशी मिली है। तो आपके किसी मार्गदर्शन किसी ने किया, लाइक किसी ने आपको गाइड किया या फिर अपना मन से आपने ये सब किया? हमें मऊआ मैम, पद्मावती मैम, मीरा मैम, कामिनी मैम ने गाइड किया है और मोनालिसा मैम ने गाइड किया है और उन्हीं के गाइडेंस से हम लोग ने ये सब सोचा है। मैं चाहूँगी कि मैं आपको दिखाऊँ अंदर में किस तरह से ये लोगों ने सजाया है। पूरा कोशिश किया है कि राजस्थान को ये केरली स्कूल के एक छोटे से कक्षा में ये दिखा सके। हम देख सकते हैं कि ना सिर्फ राजस्थान को दर्शाया गया है बल्कि उसके पूरे वेशभूषा को भी, जिस तरह से वो अपने गेस्ट जो होते हैं उनको वो अपने पूरे दिलों में बसा लेते हैं, उसी तरह से इन बच्चों ने भी यही कोशिश किया है कि वो हमें एक राजस्थान का अनुभव करवा सके। तो हमने देखा कि केरली स्कूल में कैसे 75वां गणतंत्र दिवस कितने धूमधाम से मनाया गया। यहाँ पे अभी भी कुछ न कुछ कार्यक्रम आयोजित ही किए जा रहे हैं हर स्तर पर, फिर चाहे वो झंडा फहराने की हो या फिर बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए बैंड द्वारा, किसी अन्य कार्यक्रम द्वारा उनको प्रोत्साहित किए जाने पर। हमने देखा कि केरली स्कूल में बहुत अच्छे कार्यक्रम आयोजित किए गए ताकि बच्चे उत्साह के साथ पढ़ाई और अन्य विषयों पर भी ध्यान दे सके, क्योंकि स्कूल ही वो एक ऐसा माध्यम होता है जिसमें से ना सिर्फ एक तरह के बच्चे बल्कि बहुत तरह के बच्चे निकलते हैं, फिर वो विज्ञान के क्षेत्र में हो, मैथमेटिक्स के क्षेत्र में हो या फिर अन्य कला के क्षेत्र में हो। केरली में हर स्तर पे बच्चों के द्वारा कुछ न कुछ कलाकृतियाँ, कुछ न कुछ आयोजन पे पार्टिसिपेट कर उन्होंने अपनी जो भी उनकी इच्छा होती है उसको दर्शाने की कोशिश की। मैंने कोशिश किया कि यहाँ के हर एक जगहों में जाकर आपको दिखाऊं कि कैसे बच्चों ने क्या क्या कार्यक्रम किए हैं। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे केवल सच, मैं संवाददाता पल्लवी कुमारी।